हाँ बच्चों, पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चला रहे हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से हमने जो काम शुरू किया है वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा है। इससे ज़्यादा अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमने जो टारगेट तय किया था उस टारगेट में हमारे साथ दिन ब दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर जीवन में असली खुशी चाहते हो तो जिस तरीके से मेहनत आप लोग कर रहे हो उसी तरीके की मेहनत पर आप इसी डगर पे आप अग्रसर रहें तो निश्चित रूप से आप 10वीं बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा पास करोगे। इसी कड़ी में हम आज जो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी आप लोगों कल की परसों की क्लास में मैंने बात बताई थी कि एक्सरसाइज बहुत अच्छे नंबरों की है, कम से कम 14-15 नंबर की एक्सरसाइज है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर 8.4 एक्सरसाइज हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है। तो मैं प्रयास करूँगा, हम मिलकर के प्रयास करेंगे इस बात को कि मैं आप लोगों को समझाऊँ और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाए। जहाँ किसी भी बच्चे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफलाइन में तो हम हल कर ही रहे हैं, अगर ऑनलाइन कोई बच्चा हमारी मदद चाहता है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी मदद ले सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस बच्चे की हर समस्या का समाधान करूं। अब देखिए 8.4 एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो तो बहुत छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें 1-2 क्वेश्चन तो हमने पहले वाले वीडियो में शामिल कर लिया। इसके अलावा 5th नंबर क्वेश्चन जो है उसके 10 पार्ट बना रखे हैं, उन 10 पार्ट को सभी को तो हम वीडियो में अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझे खास खास लगते हैं जो आप लोगों के स्टैंडर्ड के हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बता रहा हूं, कोश ए 1 + sin A, कोश ए 8.4 एक्सरसाइज। चलो हमें स्पेस पूरा चाहिएगा, पूरी ध्यान रखनी है आप लोगों को 8.4। 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कोश ए बटा 1 + sin A, 1 + sin A, प्लस 1 + sin A, 1 + sin A और कोश ए, कोश ए इक्वल्स टू sec A। तो आप लोगों को इस बात का तो नॉलेज है ही, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इस चीज को सॉल्व करना है और इस चीज की वैल्यू sec A इक्विवेलेंट लेके आनी है, प्रूव करना है अपने को। दो sec A, शाबाश, धन्यवाद। अदरवाइज डिफिकल्टी होती, लास्ट में हम क्वेश्चन मिलाने की कोशिश करते तो ये सिली मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, देखने में भी थोड़ी दिक्कत रहती है, चश्मा हमने उपयोग में नहीं लिया। हाँ देखिए किस तरीके से हल करें, मैं ये बता रहा था। देखिए जल्दी जल्दी जिस तरीके से आप लोग YouTube के वीडियो देख रहे हो कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, ये कर लें, आप सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठें, 5 बजे तक पढ़ें, 2 घंटे ये पढ़ें, 3 घंटे ये पढ़ें, इस तरीके से बच्चों पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करने का एक जरिया होता है। इस तरीके से अगर आप स्लो एंड स्टडी, इंग्लिश की बहुत बढ़िया कहावत है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक एक चीज को अगर आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे तो ही आप लोग अपनी इस स्टडी में, देखिए सबसे बड़ी तपस्या होती है ये, अध्ययन करना एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस जो है वो बच्चे को उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। तो आप अपने दिमाग में किसी प्रकार का डाइवर्जन ना आने दें, स्लो तरीके से एक एक चीज को समझते हुए आप अपने आंसर की आंसर तक जाएं। और इसमें तो आप लोगों को यही समझ काम में लेनी है कि अब अपने को उपयोग में क्या लेना है। देखिए कोश ए 1 + sin A प्लस 1 + sin A कोश ए, कल मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि एट फर्स्ट यू शुड चेंज योर क्वेश्चन इन साइन एंड कोश। सबसे पहली शर्त यह है कि आप अपने क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। तो यहां पर कोस है, साइन है, साइन है, कोस है, यहां सेक है, तो सेक को मैं क्या लिख दूं, सेक, इस क्वेश्चन को क्या लिख दूं मैं, 2 sec ये है ना, और सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, मुझे यहां नहीं लिखना चाहिए लेकिन मैं क्वेश्चन को ही बदल रहा हूं शुरुआत से। अब देखिए आप इस पूरे की वैल्यू आप 2 / cos A लेके आने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम मेथड तो आता है ना आपको, 1 sin A
ब्रैकेट कोष है। क्लियर है बात? नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते जाएं, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएं। साधारण सी बात है, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए डिवाइड हो गया ना, इस पूरे में इससे डिवाइड करेंगे तो कोश ए रह गया ना, कोश ए को आप कोश ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कोश स्क्वायर ए आ गया, प्लस कोश ए से कोश ए को काट देंगे, वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आना चाहिए टू बाई कोश ए। दिक्कत नहीं है कोई? अब ऊपर वाली संख्या को आप देखिए, यहां पर एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो क्या लिखेंगे हम, कोश स्क्वायर ए प्लस एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस, या फिर आप इसको कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं इसको। हाँ देखिए, एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बार बार ये बात बताई हुई है कि ए प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो मेथड है यहाँ पे, या तो आप अपनी आइडेंटिटी यूज करें ए प्लस बी और ए प्लस बी, जब दोनों संख्याएं प्लस में हो तो ये आइडेंटिटी लगती है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से हम अगर इसको हल करना चाहें तो एक प्लस एक का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू एक है और बी की वैल्यू साइन ए है ना, और फिर यहां पर साइन बी की वैल्यू साइन है ए है ना, साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक इसको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो साइन ए आएगा ना, दो साइन ए, दो को एक से मल्टीप्लाई कर दिया दो आए, दो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया दो साइन ए आ गया, और ये साइन स्क्वायर ए आ गया। दिक्कत नहीं है कोई? तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूं, एक प्लस दो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई मत करो, एक प्लस साइन ए और कोस ए, ये लिख दे मैं। क्लियर है क्या यहां तक या नहीं है? अगर आप मुझे बीच में बताना चाहिए था, ये आइडेंटिटी न करके, आइडेंटिटी यूज न करके अगर सीधा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको जरूरी नहीं होता कि समय पर वो आइडेंटिटी काम में आ जाए, दिमाग में आ जाए कि मैं इसको ऐसे हल कर लूं, इसलिए वो मेथड भी अपने को काम में रखना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एक ही रो में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी वैल्यू एक होती है, होती है ना, तो मैं इसको और इसको मिला करके, इसको और इसको मिला करके मैं साइन एक लिख सकता हूं क्या, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू एक लिख सकता हूं ना, और फिर ये एक बच गया, ये एक बच गया, प्लस दो साइन ए आगे रह गया, नीचे वन प्लस साइन ए और कोश ए है ही। अब देखिए, एक और एक को दोड़े जोड़ेंगे तो कितने आ गए, दो आ गए, तो यहां लिख दूंगा मैं दो, और फिर आगे क्या है, दो साइन ए बट्टे में क्या है, एक प्लस साइन ए है ना, कोश ए। अब ऊपर वाली संख्या में कॉमन आ रहा है कुछ, दो कॉमन आ रहा है, तो दो को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने वाली संख्या से हमें डिवाइड करना होता है, इसलिए दो से दो को डिवाइड किया वन, दो से इसको डिवाइड करेंगे साइन ए बट्टे में वन प्लस साइन ए और कोस ए है ना, इस वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया दो, नीचे क्या बच गया कोस ए। चाहे आप इसका रेसिप्रोकल करके वापस ऊपर सेक ले आओ, और नहीं तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बात बताई थी इसके इक्विवेलेंट क्या रहा चल रहा है, दो बटे कोस ए, दो बटे कोस ए इक्वल्स टू दो बटे कोस ए, दोनों पक्ष इक्वल आए या नहीं आए, इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे एल एच एस आर एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। यही तो सिद्ध करना था। अब यहां कहां कोई किसी के किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है कि मुझे यहां से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं उसको बता दूंगा, यह ध्यान में रखना है, मैंने इस पार्ट को यहां से आगे करना शुरू किया है। ओके चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बता रहा हूं आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
आपके लिए परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आप स्किप कर करके या मेरे स्टूडेंट्स स्किप कर करके और बोर होते रहें और आगे से आगे बढ़ाते रहें, कुछ लर्निंग ना करें। निवेदन है मेरा सभी बच्चों से कि वो अच्छे से अपनी नोटबुक में वीडियो देख करके नोटबुक में अपनी क्वेश्चंस का हल लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस भी करें, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, पांचवे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वन प्लस है के बटे छः के इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बटा एक माइनस कोस ए। जैसा कि हमें मालूम है, इस बताया हुआ है कि इस पूरे क्वेश्चन को यथासंभव आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट करें, किसमें? साइन कोस में। तो सेक ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, वन बाई कोस ए का, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं, पूरा साइन कोस में है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वन प्लस वन बाई कोस ए और ये बट्टे की लाइन है, सेक ए का मतलब वन बाई कोस ए इक्वल टू आना चाहिए साइन स्क्वायर ए बटा वन माइनस कोस ए, ये आना चाहिए ना। इसको एलसीएम मेथड से हल करें हम, इसको इतने को हल कर रहा हूं, तो एलसीएम कितना आया, कोस ए, इतने को हल कर रहे हैं हम इस पार्ट को, तो कोस ए इसके नीचे बटा एक कर लें, वन से कोस को डिवाइड करेंगे कोस आएगा और कोस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस आ जाएगा, कोस ए प्लस कोस से कोस को डिवाइड किया एक आया, एक को वापिस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, इसके नीचे कितना है, वन बाई कोस ए, है ना। आगे वाला साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कोस ए। अब आप लोगों को ये मालूम होगा कि बट्टे के जो नीचे बट्टा आता है उस संख्या को हम मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और इनटू में ले जाते हैं, कोस ए प्लस वन बाई कोस ए इनटू कोस ए बाई वन। अब इस कोस ए से ये कोस ए कट गया ना, या नहीं कटा, यहां क्या रह गया, कोस ए प्लस वन, और यहां क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कोस ए। अब देखो ये नहीं मिला, साइन स्क्वायर ए वन माइनस कोस ए नहीं मिला ना, इसका मतलब अपने को आरएचएस को और सोल्व करना चाहिए। हम आरएचएस को सोल्व करेंगे तो आप लोगों को कल मैंने एक सूत्र बताया था, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें भी लिया था हमने, साइन स्क्वायर ए की जगह पर अपने क्या यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है ना, इस आइडेंटिटी से बनाया था हमने कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इससे बनाया था ना। अब हमने यहां पर साइन स्क्वायर रख लिया, कोस स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चला गया, क्लियर है ना बात, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पर है, यहां लिख सकते हैं ना, एक माइनस कोस स्क्वायर ए, क्लियर है बात। अब इस संख्या के आप फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर बनाए इसके, गुणनखंड करें इसके, तो संख्या दो है, दोनों के बीच में माइनस का निशान है और दोनों स्क्वायर के रूप में है, इसलिए हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख करके इसको दो जगह पर लिख देते हैं, तो यहां क्या लिख दूं मैं, यहां तो कोस ए प्लस एक है ही इक्वल टू, यहां इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दूं ना, इस सूत्र से यहां लिखना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, सूत्र से हम हल कर रहे हैं इसको, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्या लिखा है, कोश ए प्लस वन इधर है, वन माइनस कोश ए फैक्टर गुणनखंड कर रहा हूं मैं इसके, वन प्लस कोश ए बट्टे में वन माइनस कोश ए है ही, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां तो कोश ए प्लस वन है ही एल एच एस में और इधर आरएचएस में भी वन प्लस कोस ए आ गया, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हैं, यही अपने को प्रूव करना था। ओके चलो शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट इक्वल टू शे के प्लस एन ए। तो साइन कोस में बदलने वाली बात यहाँ आती है आकर के, इसको चेंज कर लेंगे हम आर एच एस को, एल एच एस को हल करें। एल एच एस में क्या करना है अपने को, चलो मैं सबसे पहले एल एच एस ही कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल एच एस को हल कर रहा हूँ, वन प्लस साइन ए। एक तो देखिए मैथमेटिक्स का नियम होता है, याद रखना है आप लोगों को कि वन बाई टू, टू बाई फोर, थर्टी टू बाई सिक्सटी फोर, फिफ्टी बाई हंड्रेड। बार बार बताते हैं हम आप लोगों को कि ये संख्याएं कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ऑल आर इक्वल, कैसे हैं इक्वल, वन बाई टू को मैंने दो दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टू बाई फोर आ गया, तो इसका मतलब मैंने समान संख्या से अंश और भिन्न को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टू से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब टू बाई फोर आ गया। यहां पर देखिए मैंने वन बाई टू को सिक्सटीन बाई थर्टी टू बाई थर्टी टू से मल्टीप्लाई किया है, तो थर्टी टू और सिक्सटी फोर समान संख्या से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका मतलब हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी। अभी इससे दो से इसको काटेंगे तो वन बाई टू, थर्टी टू से इसको काटेंगे तो वन बाई टू, फिफ्टी से इसको काटेंगे तो वन बाई टू। इसका मतलब ये जब काटने के बाद स्मॉलेस्ट फॉर्म में आती है तो संख्या समान हो जाती है, इसका मतलब वो संख्या किसी समान संख्या से उसके अंश और भिन्न को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को समान संख्या से मल्टीप्लाई किया हुआ होता है तो वो संख्या वैल्यू समान रखता है। वो सेम बात है अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे वन प्लस साइन ए से अंश व हर को मल्टीप्लाई करने पर, अंश व हर को गुणा करने पर, अंश व हर को गुणा करूंगा तो क्या करूंगा, वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वन माइनस साइन ए को वन प्लस साइन ए से, दोनों को समान संख्या से करनी है ना। अब देखिए इसको ऊपर वाली संख्या को आप समान उसी तरीके से रखें, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाली संख्या को वन माइनस साइन ए से वन प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बार बार बताया जाता है कि वन ए माइनस बी, ए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो ये आइडेंटिटी लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ना। इस आइडेंटिटी के तहत हम जब इसको वन माइनस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए है ना का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। अब आप लोगों को ये मालूम है, बार बार बताई जाती है बात है कि एक माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा कोस स्क्वायर ए होती है, होती है नहीं होती है, होती है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूं, चलो यही लिख देता हूं मैं एक बार, एल एच एस को हल कर रहे हैं, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब दोनों का जब स्क्वायर रूट लेंगे हम ऊपर और नीचे वाली संख्या का तो क्या आएगा, वन प्लस साइन ए आया ना, और नीचे वाली संख्या का कोस ए आया ना। इसको मैं दो जगह पर, यानी ये कोस ए जो है वो इस एक के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वन बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। तो वन बाई कोस ए का मतलब क्या होता है, कोस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का रेसिप्रोकल है, इसलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूं सेक ए। और साइन बाई कोस हमने सारणी क्रिएट की थी तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मेथड क्या बताया था कि साइन में आप कोस का डिवाइड कर दो तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि साइन में कोस से डिवाइड है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, टेन ए। और आना क्या चाहिए, आर एच एस में क्या है, सेम संख्या है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं ये एल एच एस आया है और आर एच एस कितना है यहां पर, आर एच एस इजकल्स टू sec a प्लस टेन ए है, तो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं LHS LHS इक्वल टू RHS है,
एंड येलो, इन तरह के शूज। ओके चलो शाबाश, नोट करें। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का सातवां पार्ट बता रहा हूं मैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके स्टैंडर्ड के हैं, दस ही क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें छह सात क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आपको इजीली समझ में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा, दो कोश क्यूब थीटा माइनस कोश ए थीटा। हम LHS को हल कर ले, चलो LHS RHS दोनों को बराबर में ले चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाली संख्या में हम अगर साइन थीटा को कॉमन ले तो शेष क्या बचता है, साइन से साइन को हम डिवाइड करेंगे तो वन आ गया, साइन से दो साइन क्यूब को तो दो साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, कोश थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दो कोश स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये आ गया ना, इक्वल टू आना चाहिए साइन बट्टा कोश। टेन थीटा का मतलब क्या है, साइन बट्टा कोश, या टेन थीटा का टेन थीटा लिख ले, हमारा यहाँ आंसर साइन बट्टा कोश आ जाएगा, तो हम उसको हम टेन थीटा लिख देंगे। अब ऊपर वाली संख्या में देखिए जब हम क्वेश्चन आगे प्रमोट करने के लिए किस तरीके से इसमें क्या यूज करना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है कि मुझे इस पूरी संख्या को काटना है, इस पूरी संख्या को मैं काटने की कोशिश करूंगा ताकि साइन बाई कोश रह जाए, और साइन बाई कोश का मतलब टेन थीटा होता है, दिमाग चलना चाहिए ना अपने। तो यहां पर आप एक की वैल्यू देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोश स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो हम जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा आता है वहां हम एक यूज करते हैं, तो जहां एक आया है उस एक को हम क्या यूज करें, यह यूज कर ले क्या, इसलिए हम यहां पर यह लिखते हैं साइन थीटा एक के स्थान पर क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बटे सेम वे में यहां कोश थीटा है ही, दो कोश स्क्वायर थीटा माइनस एक की वैल्यू हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोश स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, आना चाहिए टेन थीटा। अब देखिए यहां पे साइन थीटा, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, चलो मैं पहले कोश स्क्वायर थीटा और इसमें से इसको घटाएंगे तो एक बचेगा ना, एक साइन स्क्वायर थीटा एक ही बचेगा ना, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरीके से हम आगे लिखें तो देखिए यहां कोश थीटा है और यहां दो कोश स्क्वायर थीटा, यहां माइनस होने के कारण मैं आगे वाले चिन्ह को माइनस में कन्वर्ट कर रहा हूं। आप यहां पर सीधे लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर वाले को हल कर दिया, नीचे वाले को भी हल कर सकता था, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहां पर प्लस का साइन है और सर ने इसको इसमें से माइनस क्यों कर दिया, हम माइनस ऐसे सीधे नहीं कर सकते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाहर माइनस होने के कारण इस ब्रेकेट के अंदर जो साइन है उस साइन को हम सीधे बदल दूं क्या, मैं सीधे बदल दूं क्या, ये लो ये माइनस लिख दिया मैंने, क्लियर है क्या बात, मुझे एक रो नहीं लिखनी पड़े इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं। अब देखिए दो कोश स्क्वायर थीटा प्लस का है और एक ये माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोश स्क्वायर थीटा और ये कोश कट गया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ना, आना चाहिए टेन थीटा, आना चाहिए ना। अब देखिए सेम नंबर है ऊपर और नीचे, कोश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे इसको कैंसिल कर दूं, हो गया कैंसिल, यहां क्या बच गया साइन थीटा बट्टा कोश थीटा और यहां क्या आ गया टेन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का मतलब साइन बाई कोश ही होता है, इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, क्लियर है क्या बात या नहीं है, समझ में आई है, चलो बहुत बढ़िया बात। हाँ बच्चों 8:04 पांचवें क्वेश्चन का आठवां पार्ट करें शुरू, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें
जितने आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में दे रखी है, तीन आइडेंटिटी दे रखी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन आइडेंटिटी मैंने आपको कल ब्लैक बोर्ड पर बार बार लिख करके बताई थी, आपको ध्यान में रखनी है। हम एल एच एस को हल कर लेते हैं, वैल्यू ये आनी चाहिए, ये हमारे आंसर है, क्या है आंसर, यह आंसर अपने को इसमें से लेके आने हैं। तो मैं पहले एल एच एस को ही हल कर लेता हूं, किसको, अब यहां पर देखिए साइन ए प्लस कोशेक ए का होल स्क्वायर, तो आप साइन ए प्लस कोशेक ए को, हालांकि पहले बदल करके आप कोशेक ए को वन बाई साइन लिख करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी वे तो यही है कि पहले आप इसको हल कर लें, तो साइन ए प्लस कोशेक ए को साइन ए प्लस कोशेक ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन ए प्लस कोशेक ए को साइन ए, नहीं समझ में समझा पाया तो इसका मतलब अपना पढ़ाने का और वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए लंबा बनता है तो बनने दें। इन दोनों को हल करें तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, साइन ए को हमने ए माना है, कोशेक ए को हमने बी माना है, तो दोनों सेम नंबर है ना, और बीच में दोनों के प्लस का साइन है, तो यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं और वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। एक तरीका तो ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर इस तरीके से आइडेंटिटी आपके दिमाग में ना आ पाए, भाई कई बार बहुत बार कहता हूं मैं कि विद्यार्थी इतना दुर्भाग्यशाली होता है कि समय पर उसको आंसर याद नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, विचलित ना हो, अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं, थोड़ा सा विवेक से काम में लें कि हम अगर आइडेंटिटी भूल जाएं या ये याद ही नहीं रहे कि अपने को आइडेंटिटी यूज करनी है क्या, तो हम क्या करें। अब देखिए साइन को आप साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेथड आप लोगों को बार बार बताया हुआ है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब इस साइन ए को आप कोशेक ए से मल्टीप्लाई कर दें, साइन ए और कोशेक ए, अब इसकी दोनों से मल्टीप्लाई हो गई तो कोशेक को साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ए कोशेक ए, ये आ गया ना, अब आप कोशेक को कोशेक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोशेक स्क्वायर ए आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, ये दोनों संख्या एक जैसी हैं इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहां पर क्या लिख देंगे हमें, दो साइन ए कोशेक ए, हो गया ना, ये साइन स्क्वायर ए है ही, ये कोशेक स्क्वायर एक है ही, है ना, तो इसके स्थान पर क्या लिख दें हमें, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस दो साइन ए कोशेक ए प्लस कोशेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार से जब आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे, इस संख्या को इसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए कोश ए प्लस है के को कोश ए प्लस है के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेथड है, कोश स्क्वायर ए प्लस दो कोश ए सेके प्लस सेक स्क्वायर ए। हम केवल और केवल एल एच एस हल कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज ना हो, आर एच एस हमारा आंसर है, हम उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, अब देखिए ब्रैकेट को खोल लूं मैं सीधा ही, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यह आया था और इसको इसी से मल्टीप्लाई करने पर यह आया था, यहां पर माइनस का निशान होता तो आगे के निशान हम चेंज कर देते, यहां पर प्लस का निशान है तो दो बार लिखने से कोई औचित्य नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं सीधे लिख रहा हूं, एक ही रो में अगर साइन और कोश आ जाए, साइन स्क्वायर और कोश स्क्वायर आ जाए, जैसे कि इस पूरी रो में आप लोग यहां देख रहे हो ना, यहां साइन स्क्वायर ए है और यहां कोश स्क्वायर ए है, तो इस इन दोनों को पास पास लिख दूं या सीधा एक वैल्यू लिख दूं क्या, चलो मैं अलग अलग न करके ऐसे कर रहा हूं, साइन स्क्वायर और कोश स्क्वायर दोनों की वैल्यू एक होती है, जो हम यहां नीचे वाली पंक्ति में लिख देंगे, लिखना चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, प्लस दो यहां साइन ए है, अब इस कोशेक को आप साइन में बदलेंगे तो क्या आएगा, वन बाई साइन ए हो गया, प्लस कोशेक स्क्वायर ए। इसकी एक आइडेंटिटी होती है कि जहां आपको कोशेक स्क्वायर ए मिले वहां पर आप एक प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यह आइडेंटिटी बताई हुई है आप लोगों को, इसलिए इसके स्थान पर यह एक तो आइडेंटिटी हम काम में लेंगे, इसमें क्या लिख दें हम, कोशेक स्क्वायर ए की जगह पर है एक प्लस कोट स्क्वायर एक लिख देना, क्योंकि अपने को
टेन और कोट की तरफ बढ़ना है, इसलिए कोशेक स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रहा हूं एक प्लस कोट स्क्वायर ए। कोश स्क्वायर को मैंने यहां यूज कर लिया, यहां पर देखिए दो कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख दूं एक बट्टा कोश ए, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है ये, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर एक नई आइडेंटिटी है वो क्या है एक टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, ये दूसरी आइडेंटिटी हमने इसमें यूज किया, और एक हम यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू एक होगी, ये तीनों आइडेंटिटी हम यहां पर मैं बार बार लिख रहा हूं, बराबर आना चाहिए आरएच ठीक है। अब देखिए आप साइन ए से इस साइन ए को कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से इसको इससे कैंसिल कर दिया, अब बच्चा क्या है इन दोनों की जगह पर एक काम में ले लिया, यहां बच गया दो, दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे दो ही आएगा, यहां बच गया एक, यहां बच गया कोट स्क्वायर ए, यहां बच गया दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो, यहां बच गया एक और आगे टेन स्क्वायर ए, ये आ गया एलएचएस चल रहा है अपना। अब इनको काउंट कर लो एक दो तीन एक चार दो छ और एक सात, और क्या बच गया कोट स्क्वायर ए और आगे क्या बच गया टेन स्क्वायर ए। अब ये तो आया है अपना एलएचएस, और आरएचएस कितना है आरएचएस सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, दोनों बराबर आ गए ना, ये एलएचएस की वैल्यू आई है और ये आरएचएस है ही, इसका मतलब हम यहां पे क्या लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये तीनों आइडेंटिटी आपको एग्जाम जब देवे पेपर देवे तो इन तीनों का रेफरेंस अपने को साइड में देना जरूरी होता है, इस आइडेंटिटी से हमने ये वैल्यू इस तरीके से पुट की है ओके। हाँ तो बच्चों प्रयास किया है कि आपको ये एक्सरसाइज जो दसवीं क्लास के बच्चे जो हैं थोड़ा सा इसको कठिन मानते हैं, हमने तो प्रयास किया है कि यह आप तक इजी वे में पहुंचाया जाए। अगर आपको वास्तव में हमारा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी टीचिंग अच्छी लगी है, तो आप चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस प्रकार के जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।